हाइलाइट्स में बात करेंगे अगली खबर की तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने रामपुर के समेज में बचाव और बहाली कार्य जारी रहने के दौरान एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। बचाव और तलाशी अभियान जारी है। इस पर रामपुर एसडीएम निशांत तोमर ने बताया कि चार गांव है जिनसे अभी सड़क संपर्क पे नहीं है। भारतीय सेना ने यहाँ अस्थायी पुल बनाया है जिससे लोगों को सहायता मिल सके। सरपारा गांव के सड़क बहाली का काम जारी है। प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है। लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास ना जाएं। देखिए हमारे चार गांव है मेनली जो जिनकी कनेक्टिविटी अभी बाय रोड हमारा जो संपर्क वो नहीं है तो उसकी रिस्टोरेशन के लिए ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। मीनवाइल हमने क्या किया यहाँ पे टेम्परेरी बीच भारतीय सेना ने यहाँ पे सेटअप किया है ताकि जो ऑन फुट अगर लोग क्रॉस करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको किया जाता है। बाकी ऑन वॉर फुटिंग में हमारा जो रोड है सरपारा गांव का उसको रिस्टोरेशन करने का काम चला हुआ है। देखिए इसमें दारा जो सरका है वो जिला कुल्लू में पड़ता है और जो हमारे जो सरपारा पंचायत है इसमें तकरीबन हमारे 600-700 हमारे लोग हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन डिसाइड करती है। हालांकि रोड की कनेक्टिविटी कट ऑफ होगी लेकिन वहाँ पे खाने पीने और ऐसी कोई वहाँ पे कमी नहीं है। सभी लोगों की स्टॉकिंग कर दी गई है और जो यहाँ पे अफेक्टेड फैमिलीज भी हैं उनको भी जो प्रीलिमिनरी में राहत राशि है और हमारा जो फूड आइटम है राशन वाली आइटम है उनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। आज भी हमारे पास हमारी जो राशन जो वितरण है अफेक्टेड फैमिली उन द्वारा जैसे जैसे यहाँ पर आ रहे हैं उनको वितरित की जा रही है। देखिए मैसेज सभी को मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा जैसा कि मौसम विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभिन्न समय पे एडवाइजरी और चेतावनी जारी की जाती है क्योंकि अभी बरसात का जो सीज़न है अभी कंटिन्यू चला हुआ है तो मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाएं और जहां भी आपको ऐसे फ्लड प्रोन एरिया लग रहे हैं वहां से आप ऊंचाई वाले स्थान पे चले जाएं और ज़्यादा जोखिम भरे जो भी रास्ते हैं उन पे ना ट्रैवल करें। देखिए मैं मेरा वही अपील है कि अगर वो अपने घरों में सुरक्षित है कोई राशन पानी की ऐसी दिक्कत है तो वो हम बिल्कुल यहाँ से सुचारू रूप से वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल अगर वो फिर बहुत ही अति आवश्यक काम से आना चाहते हैं तो कृपया पहले अपने रास्ते आसपास गांव के रास्ते वो देख लें नदी नालों का स्तर देख लें तभी वो अन्यथा जो फुट मार